धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। दोस्तों, कबीरदास जी का ये फेमस दोहा ये कहना चाहता है कि मन में हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। अगर कोई माली एक ही दिन में किसी पौधे को 100 मटके पानी से भी भर दे तो भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। इसलिए सफलता का स्वाद चखने के लिए पेशेंस रखना जरूरी होता है। चाहे जॉब में करियर बनाना हो, या बिजनेस सेट करना हो, या फिर अपने सपनों को पूरा करना हो, सब्र सफलता के सफर में मील के पत्थर का काम करता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम 2 मिनट में बन जाने वाली मैगी की तरह सब कुछ जल्दी से हासिल करना चाहते हैं, जिसके चलते पेशेंस जैसा कॉन्सेप्ट कहीं पीछे छूटता जा रहा है। गोल अचीव करने में पेशेंस की वैल्यू और लॉन्ग टर्म सक्सेस में इसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, ये फेमस मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, यानी पेशेंस रखने से रिजल्ट पॉजिटिव होता है। पर यह तो जरूरी नहीं कि रिजल्ट हर बार एक्सपेक्टेड और पॉजिटिव हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता। ऐसे में ज्यादातर लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, जबकि ऐसे वक्त में ही पेशेंस की असली परख होती है। इम्पेशेंस होना एक कॉमन ह्यूमन इमोशन है, जो तब फील होता है जब हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट में अनएक्सपेक्टेड डिले होता है, यानी जब चीजें उतनी जल्दी नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। लेकिन ये आम बात तभी तक है जब एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए हो और इससे होने वाले फिजिकल और इमोशनल लॉस कम हो। बहुत जल्दी जल्दी और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए इम्पेशेंट होना फिजिकली बहुत ही नेगेटिव असर डालता है, जो हेल्थ के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ पर भी नेगेटिव रूप से असर डालता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे माइंडसेट के साथ आप अपने गोल पर कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाएंगे। इस दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया और घंटों रील्स देखने में बिता दिए, या फिर कोई प्रोफेशनल ईमेल करने के लिए फोन उठाया और सोशल साइट्स की नोटिफिकेशंस पर नजर पड़ते ही वहां घंटों कब खर्च हो गए पता ही ना चला। आई एम श्योर कि आपके साथ कभी ना कभी तो ये जरूर हुआ होगा। आज की तेज तर्रार। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया और घंटों रील्स देखने में बिता दिए, या फिर कोई प्रोफेशनल ईमेल करने के लिए फोन उठाया और सोशल साइट्स की नोटिफिकेशंस पर नजर पड़ते ही वहां घंटों कब खर्च हो गए पता ही ना चला। आई एम श्योर कि आपके साथ कभी ना कभी तो ये जरूर हुआ होगा। आज की तेज तर्रार दुनिया में जब हमारे पास डिस्ट्रेक्शन के इतने सारे साधन हैं, टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स, सोशल साइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड डिवाइसेस जैसे अलेक्सा, फूड डिलीवरी रिलेटेड एप्स, इंटरटेनमेंट के लिए OTT प्लेटफॉर्म जैसे अनलिमिटेड ऑप्शंस, ऐसे में किसी एक चीज पर बहुत देर तक फोकस कर पाना चैलेंजिंग होता जा रहा है। इसीलिए आज फोकस्ड रहने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, मेडिटेशन, शिविर, क्लासेस, कोर्सेस मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। पता है इन सबका मकसद क्या है? इन सबका एक ही गोल है, माइंडफुलनेस, यानी कि मन को प्रेजेंट में स्टेबल और फोकस रखना। माइंडफुलनेस एक तरह से मेडिटेशन है जिसमें हम खुद को प्रेजेंट में फोकस करते हैं। जो कुछ भी प्रेजेंट में हो रहा है उसमें डूब जाना, लीन हो जाना, खो जाना ही माइंडफुलनेस है। इसमें पास्ट या फ्यूचर से ध्यान हटाकर पूरी तरह से प्रेजेंट में रहना है, और आप जो कुछ भी कर रहे हो, सोच रहे हो, जी रहे हो, उसे पूरी तरह से फील करना है। ये कैसी प्रैक्टिस है जिसको रेगुलर करने से आप इसे जिंदगी के सभी पहलुओं पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, पर्सनल हेल्थ हो, करियर रिलेटेड इश्यूज हो, या फिर लंच या डिनर करने जैसा काम हो। आजकल तो लोग खाना खाते वक्त भी मोबाइल, टीवी या लैपटॉप जैसे गैजेट्स के एडिक्टेड हो चुके हैं। इसके बिना इनका खाना ही हजम नहीं हो पाता, जिसके साइड इफेक्ट्स के रूप में ओवर ईटिंग हो जाती है और फिर ओबेसिटी जैसी बीमारियां घर करने लगती है, जो और भी कई इंटर रिलेटेड डिजीजेस को बढ़ाती है। वैसे तो लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन वो इस तरह से एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत ही यूजफुल साबित होती है। माइंडफुलनेस के कई फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं, जो कि अलग अलग रिसर्चेस में भी
प्रूव्ड हो चुके हैं। माइंडफुलनेस की रेगुलर प्रैक्टिस से अच्छी नींद आती है, स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और अपेरेंटली फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेटर होती है, जिससे आप अपने गोल्स पर फोकस कर पाते हैं, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। माइंडफुलनेस क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, जिससे राइटिंग, सिंगिंग, पेंटिंग जैसे इनोवेटिव कामों में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो अब माइंडफुलनेस की इम्पोर्टेंस के बाद बात आती है कि हम इसे फॉलो कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले आपको एक मजबूत इरादा बनाना चाहिए। इसके लिए उसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये सोचना है कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस क्यों करना चाहते हैं और आप इसे कैसे कर सकते हैं। जब आपका एम्बिशन क्लियर होगा तभी आपको इसके लिए मोटिवेशन मिलती है। कुछ लोगों को अपना स्ट्रेस कम करना मकसद हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए रात की नींद आना। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि माइंडफुलनेस के पीछे का आपका अपना रीजन क्या है। अब जब आपने अपना गोल सेट करके अपना इंटेंशन क्लियर कर लिया है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले आपको अपने पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी पास्ट पर अफसोस करने या फ्यूचर की चिंता करने में नहीं है, बल्कि अपने प्रेजेंट पर फोकस करके अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन देने के लिए है। आपको अपने गोल पर फोकस करके अपने फ्यूचर की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। इस स्टेज में बात आती है फोकस करने की। आपने मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। आपको सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठकर आरामदायक और कंफर्टेबल सिचुएशन में अपनी सांसों पर फोकस करना है। सांस किस तरह से आ रही है, कैसे नाक में एंटर कर रही है और दूसरी तरफ एग्जिट कर रही है, पूरा फोकस इसी पर रखना है। माइंड को इस समय किसी भी तरह के थॉट से फ्री रखना है। कुछ लोग फोकस करने के लिए काउंटिंग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग अपने भगवान या ओंकार, जिसके लिए जो यूजफुल हो और जिसका मन जहां लगे। पर यहां इंपॉर्टेंट बात है फोकस्ड रहने की। इसी तरह माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने का और एक जबरदस्त तरीका है। इसमें अपने सेंसेस को शामिल करना, प्रेजेंट में जो कुछ भी है, कोई प्लेस, साउंड, स्मेल, टेस्ट, उस पर फोकस करें। जैसे अगर आप कहीं चल रहे हैं तो उस जगह की हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान दें। ऐसे ही अगर कुछ खा रहे हैं तो उसका शेप, साइज, अरोमा, टेस्ट फील करते हुए बाइट लें। इस तरह से अपने सारे सेंसेस की हेल्प से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से की जा सकती है। इसमें अलग से किसी शांत जगह जाने की जरूरत नहीं, बल्कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं बस उसे फील करना है। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल कर मिलेंगे साए बाहर के। दोस्तों, मशहूर सिंगर किशोर कुमार का इम्तिहान फिल्म से यह गाना अभी भी मुश्किल वक्त में लोगों के लिए हौसला देने का काम करता है। हम सभी कभी ना कभी ऐसे स्टेज पे पीच पर जरूर पहुंचे हैं जब हमारे गोल की प्रोग्रेस स्लो या रुकी हुई सी लगती है, चाहे पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप का मैटर हो या प्रोफेशनल लाइफ में कोई पड़ाव हो। हम कितना भी रिसर्च करके स्ट्रेटेजी बनाएं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते, या कभी हम अपना सही इवेल्युएशन नहीं कर पाते और अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं या स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। ये कभी कभी इसमें भी मोनोटोनी आ जाती है और प्रोग्रेस का ग्राफ एक सीधी लाइन के जैसा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। ज्यादातर लोग इसी वजह से गोल तो सेट करते हैं लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते और हार मानकर अपना एम्बिशन बदल देते हैं या फिर स्ट्रेटेजी। जबकि बहुत बार ऐसे पलों में एक किक की जरूरत होती है जो आपको मोटिवेट कर सके। आज हम आपके साथ ऐसी ही सिचुएशन में कारगर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी गिव अप करने की आपकी डिजायर को खत्म कर देगा और आप फिर से नए सिरे से नए जोश के साथ अपने गोल को अचीव करने की दिशा में चल पड़ेंगे। रिफ्रेम योर माइंडसेट। जब आपकी प्रोग्रेस आपके एक्सपेक्टेशन से कम होती है या नहीं होती है, तब आप सबसे पहले इस काम को ही छोड़ देना चाहते हैं और यह नेचुरल है क्योंकि सबसे आसान काम यही लगता है उस समय। लेकिन यह सबसे डेंजरस भी है।
अगर गिव अप करने का पैटर्न बन गया तो किसी भी काम में सक्सेस हासिल आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। सबसे पहले ये कि जो हो रहा है उसका सही इवैल्यूएशन करना, फीडबैक लेना और उस हिसाब से नए सिरे से स्ट्रेटजी को रिन्यू करने की जरूरत होती है। फ्यूचर की टेंशन छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना और मन लगाकर अपने काम को माइंडफुलनेस वाले तरीके से करना आपको फिर से मोटिवेट करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि चैलेंज और फेलियर भी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये हमें कुछ नया सिखाते हैं और हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। अपनी मेंटेलिटी को फिर से डिफाइन और रीफ्रेम करके आप प्रोग्रेस के बीच में फेलियर के आने पर इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। आपको एक डेवलप और पॉजिटिव मेंटेलिटी को फॉलो करना है जो आपको फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस के लिए मेंटली प्रिपेयर करेगा। आप अपने सोचने का नजरिया बदल कर अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। रियलिस्टिक गोल सेट करें। प्रोग्रेस स्लो होने का एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो। जैसे आपके पेरेंट्स ने कह दिया यूपीएससी क्रैक करना है और आपने उनके प्रेशर में आकर अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिया। ऐसे में आप कितनी ही स्ट्रेटेजी बना लें लेकिन सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग सालों साल अनरियलिस्टिक गोल सेट करके उसके पीछे बर्बाद कर देते हैं, आखिरकार एक दिन थक कर हार मान लेते हैं। जबकि अगर सही स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद आपको एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिल रही या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको अपने गोल को इवेल्युएट करने की जरूरत है। और इससे आप किसी से कमतर नहीं हो जाते। हम सब अलग हैं, हमारे अंदर यूनिक क्वालिटीज हैं, हमारे इंटरेस्ट अलग हैं, हमारे बैकग्राउंड्स अलग हैं, हमारे सपने अलग हैं। इसलिए किसी की देखा देखी नकल ना करके, किसी के दबाव में ना आकर, किसी को ट्रेंड की किसी भी ट्रेंड को फॉलो ना करके आप वो गोल सेट करें जो आपके लिए बेस्ट हो, तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं और इसमें सक्सेस की मैक्सिमम गारंटी भी है। अपने मोटिवेशन को याद रखें। दोस्तों, जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता तो आप भूल जाते हैं कि आपने अपना ये गोल क्यों बनाया था। अपने अपने गोल अचीव करने के लिए जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इसके पीछे दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब प्रोग्रेस स्लो हो और आपका आगे कंटिन्यू करने का मन ना हो या आप हार मान लें कि अब मुझसे नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने मोटिवेशन को याद करना है, खुद को याद दिलाना है कि अगर आप गिव अप कर देंगे तो इससे आपकी अपनी और खुद से जुड़े लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। अपने क्यों को ध्यान में रखना आपके गोल को वैल्यू देगा और ऐसे समय में आपको हौसला देगा जब आप हार मानने वाले होते हैं। ये आपको फोकस्ड रहने और कंटिन्यूटी के लिए बेहद जरूरी होता है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मशहूर गीतकार तनवीर गाजी की लिखी हुई ये कविता महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में पिंक मूवी में जान डाल देती है। जिंदगी के किसी मोड़ पर जब आप निराश होते हैं तो फिर से उठने और नए सिरे से कोशिश करने के लिए एक पुश की जरूरत होती है। दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस हमें ये बताती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, यानी हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा होना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है, जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, सोशल पैरामीटर्स, कल्चरल वैल्यूज, एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल हैं। आपने फील किया होगा कि आपके कजिन्स या रिलेटिव्स के रिजल्ट या प्लेसमेंट अच्छे होने के बाद आपके ऊपर भी परफॉर्मेंस प्रेशर पड़ जाता है। ऐसे वक्त में हमें अपनी एबिलिटी, इंटरेस्ट और अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पर अपना गोल सेट करना चाहिए, ना कि लोगों की देखा देखी या कॉम्पिटिशन में आकर अनरियलिस्टिक गोल सेट करना। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सच्ची तो है ना, सबके सारे सपने कहां पूरे होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की कंडीशन में कोई व्यक्ति टूट जाता है और गिव अप कर देता है तो कोई नए सिरे से, नए जोश से दोबारा उसे पूरा करने में लग जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि सेम सिचुएशन में हम अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि हम सब अलग हैं, यूनिक हैं।
एक्सपेक्टेशन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम करियर, रिलेशनशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लाइफ के डिफरेंट स्टेटस पर खुद से और खुद से जुड़े लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वैसे एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारे लिए मोटिवेशन और ड्राइव को बढ़ाने का भी काम करती हैं। लेकिन अनरियलिस्टिक या अनमैनेज्ड एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। अपने गोल को लेकर एक हेल्दी और बैलेंस अप्रोच रखने के लिए हमें अपने एक्सपेक्टेशन स्कोर मैनेज करना सीखना होता है। यहाँ हम जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में, जिनसे आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी और फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि निराशा का सबसे बड़ा रीजन होता है अनरियलिस्टिक गोल सेट करना। आपको अपने गोल को सेट करने से पहले अपने एप्टीट्यूड, नॉलेज, स्किल, रिसोर्सेज, इंटरेस्ट और टाइम जैसे फैक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद ही अपना गोल सेट करें, जिससे आप अपनी कैपेबिलिटी और टैलेंट का सही इस्तेमाल करके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। किसी की देखा देखी कॉम्पिटिशन में आकर या फिर एडवर्टाइजमेंट के जाल में फंसकर खुद को ऐसी जगह ना इन्वेस्ट कर दें कि आपको बाद में पछताना पड़े। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना गोल सेट करेंगे और सही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि सिर्फ रिजल्ट की उम्मीद में काम ना करें, बल्कि इस सफर का भी आनंद उठाएं, इस प्रोसेस को भी एंजॉय करें। रिजल्ट आने में टाइम लगता है और बहुत बार वो अपनी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता, जबकि अगर आप प्रोसेस में खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे और काम को काम की तरह नहीं एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे तो सब कुछ कितना ईजी हो जाएगा। सक्सेस के रास्ते में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसी तरह बहुत बार रिजल्ट आपकी सोच के अपोजिट होगा। ऐसे में अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो आप हताश होने से बच सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी का क्या भरोसा कब किस मोड़ पर ले आए। अभी हालिया COVID-19 पेंडेमिक इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है। लाइफ पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है और हमेशा हमारी प्लानिंग के अनुसार चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अपना असर डालते हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। यहाँ पर जरूरत है आपकी एक्सपेक्टेशन में फ्लेक्सिबिलिटी हो। प्लान बी और सी बनाना भी इसका एक हिस्सा है। आपको किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। इससे अचानक सिचुएशन चेंज होने पर आप शॉक्ड नहीं होंगे, बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आने वाले चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। क्या मैरी कॉम की बॉक्सिंग का कंपैरिजन लता मंगेशकर की सिंगिंग से करके इनमें से किसी को दूसरे से कम समझना रैशनल है? क्या सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को कंपेयर किया जा सकता है? ये सभी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं। हम सब यूनिक हैं, हमारी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, इसलिए कंपैरिजन किसी भी तरह से फ्रूटफुल नहीं होता। हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है। दूसरों से बेवजह का कंपैरिजन करना आपको स्ट्रेस में डाल सकता है, जो आपकी परफॉर्मेंस के लिए ठीक नहीं है। इसलिए दूसरों से अपना कंपेयर करने के बजाय अपने गोल पर फोकस करें। गोल अचीव करने की दिशा में एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलने पर कभी खुद को ब्लेम ना करें। खुद को लेकर भी इतना रिजिड ना रहकर फ्लेक्सिबल और लिबरल अप्रोच फॉलो करें, क्योंकि खुद को ब्लेम करने से सिचुएशन तो बदलेगी नहीं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम नेगेटिवली अफेक्टेड होगा, जिसका रिजल्ट चाहिए होगा कि आप नए सिरे से शुरुआत करने में खुद को बेबस महसूस करेंगे। ऐसे वक्त में आप खुद को एक ऐसे इंडिविजुअल के रूप में देखें जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, खुद को स्पेशल फील कराएं। इसके लिए आजकल सोलो डेटिंग जैसा टर्म बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसमें आप अपने पार्टनर खुद होते हैं, खुद के लिए किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच या डिनर प्लान करते हैं, बाद में मूवी भी देख सकते हैं या कहीं ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं जो आप बहुत दिन से चाहते हो। जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स की पावर को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। कहते हैं जैसा आप सोचते हैं एक दिन वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम इस बात को लेकर कॉन्शियस रहें कि हमारे मन में किस तरह के ख्याल ज्यादा आते हैं।
खासतौर पर रात में सोने के जस्ट पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद आने वाले थॉट्स आपकी जिंदगी बदल देने वाले होते हैं, क्योंकि रात में सोने से पहले हम जो सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस पर काम करता है। आपने फील किया होगा कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल रहा है या कोई चीज याद नहीं आ रही है और आप एक गहरी नींद लेते हैं और उठने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोशिश करते रहें तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, कबीर दास जी ने एक बार कहा था, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना है जो आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक दे सके। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके वेलविशर होने चाहिए जो ऑब्जेक्टिव होकर आपका इवोल्यूशन कर सके। सिर्फ तारीफ करके अपना काम निकलवाने वाले लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, वही सिर्फ कमियां ढूंढने वाले लोग आपको डीमोरलाइज कर सकते हैं। आपको सही लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए। जिस तरह से आप अपनी तारीफ को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करना सीखना होगा, तभी आप खुद को बेहतर बना सकेंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आज की भागम भाग वाली दुनिया में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और चैलेंजेस को फेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट स्किल के रूप में जानी जाती है। पेशेंस हमें सेटबैक्स आने पर भी पीसफुल, फोकस्ड और फ्लेक्सिबल बने रहने में मदद करता है। आपके लिए अच्छी बात क्या है आपको पता है? ये कोई बाय बर्थ मिलने वाली क्वालिटी नहीं है, बल्कि आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस से भी डेवलप कर सकते हैं। आप इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर और फोकस्ड और पीसफुल बन सकते हैं, जिससे लाइफ में आने वाले किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। करियर में सेटबैक्स आने पर आप उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं, आज हम कुछ ऐसी ही टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन की। माइंडफुलनेस एक ऐसी पावरफुल प्रैक्टिस है जिससे बिना जजमेंटल हुए आप अपने प्रेजेंट पर फोकस कर सकते हैं। इससे आप अपने आइडियाज और फीलिंग्स पर ऑन द स्पॉट रिएक्ट करने के बजाय माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक है मेडिटेशन। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। किसी शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर फोकस कीजिए। इस समय आपके मन में कुछ चलना नहीं चाहिए, बस सांस लेने और छोड़ने के प्रोसेस पर फोकस करना आपका मकसद होना चाहिए। इससे होगा ये कि धीरे धीरे समय के साथ आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर पेशेंस रखना सीख जाएंगे। धीमी गहरी सांस लेना। दोस्तों, जब हम बेचैन होते हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है और इस तरह से नर्वस सिस्टम एक्साइटेड हो जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। हमारी बॉडी और माइंड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए दोनों में जब भी कोई चेंज आता है तो दूसरे पर असर जरूर पड़ता है। इसलिए जब आप इम्पेशेंट फील करें तो कुछ समय के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश करें। इस प्रोसेस को अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को रिपीट करें और अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखें। खुद को रिलैक्स होने दें। इस तरह से धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस से आगे टेक्निक सीख जाएंगे जो जिंदगी के हर एरिया में आपके लिए यूजफुल होगी। अब बारी आती है ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी क्वालिटी है दोस्तों जो आपकी अटेंशन को उस पर भी फोकस करा सकती है जो कुछ इस समय आपके पास नहीं है। जब हम बेचैन होते हैं तो हमारा पूरा फोकस इस बात पर होता है जिसके इंतजार में यह हाल हुआ होता है। इससे और बेचैनी बढ़ती है, एक तरह से ये एक साइकिल बन जाती है और आप इसमें उलझ कर रह जाते हैं। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप जानबूझकर जिंदगी में होने वाली पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं और उसके लिए थैंकफुल फील करते हैं। आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीजों पर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। छोटी से छोटी चीजों को भी अप्रिशिएट करना सीखना होगा। हर दिन अपने लिए कुछ ऐसा वक्त निकालें जिसमें आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करें और इसे जाहिर करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जैसे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले वेलविशर्स, सनराइज, नेचर या फिर हेल्थी मील। ग्रेटफुलनेस की ये प्रैक्टिस आपकी मेंटेलिटी को चेंज करके पेशेंस डेवलप करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और अब बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज की। योगा, सुडोकू, क्रॉसवर्ड जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज आप
बॉडी और माइंड का कनेक्शन डेवलप करने में मदद करते हैं। इन एक्टिविटीज़ में पेशेंस, कंसंट्रेशन और प्रेजेंस मस्ट होता है, जिससे आप बॉडी और माइंड का सही कनेक्शन सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी स्ट्रेस को दूर करके आपको पीसफुल बनाता है, जिससे पेशेंस डेवलप होता है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी जब दिमाग कहीं नहीं लगाते तो ये ऐसी उल्टी पुल्टी चीजों के बारे में सोचता रहता है जो अक्सर नेगेटिव होती हैं। फेमस फाउंडिंग फादर ऑफ यूएसए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, टाइम इज मनी। क्योंकि हम पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए इसका कंपैरिजन टाइम से किया जाता है, जो कि सच भी है। आप जानते हैं कि आज की दुनिया में पैसा बहुत मायने रखता है। आपने देखा होगा कुछ लोग अक्सर टाइम की कमी का रोना रोते रहते हैं, जबकि ये सब के पास एक बराबर है, दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। इसी टाइम को यूटिलाइज करके कुछ लोग बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर लेते हैं, तो कुछ लोग ढंग से अपना डेली रूटीन भी पूरा नहीं कर पाते। इन दोनों तरह के लोगों में डिफरेंस होता है तो सिर्फ एक और वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपके पास लिमिटेड है और हम इसे कैसे मैनेज करें जिससे आप इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें और हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प मिले। टाइम मैनेजमेंट पेशेंस को डेवलप करने के लिए भी जरूरी होता है। आज आपके पास डिस्ट्रैक्शन के इतने सारे साधन हैं, ऐसे में टाइम मैनेजमेंट और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। टाइम मैनेज करने के दौरान हम अपनी प्रायोरिटी, अपनी एक्सपेक्टेशंस पर भी फोकस कर पाते हैं। अपने काम की प्रायोरिटी पैकर, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाकर सही रूटीन से लाइफ में पेशेंस और प्रोग्रेस दोनों हासिल कर सकते हैं। तो आइए प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कि डेडलाइन से आपके माइंड में एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस जनरेट होता है, जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, वरना तो टालमटोल करना ह्यूमन नेचर है। एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप अपने गोल और प्रायोरिटीज को डिसाइड करना होता है। आपको ये देखना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, वो कौन सी चीज है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए करियर सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो कुछ लोग रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं होता। अब क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हमें उसी हिसाब से बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार जब गोल सेट हो जाए तो उसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करना, इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना आसान हो जाता है। टू डू लिस्ट बनाना टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत कारगर तरीका है। यह आपको फोकस्ड रहने में भी हेल्प करता है और यह भी इंश्योर करेगा कि आप अपना कीमती टाइम किन चीजों पर खर्च कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग और शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए मंथली, वीकली और डेली शेड्यूल बनाएं। इसमें आपके करियर रिलेटेड कमिटमेंट, रिलेशनशिप, पर्सनल काम और आराम यानी मी टाइम के लिए भी स्पेस होना चाहिए। अपने शरीर को ट्रैक करने के लिए रिमाइंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल फोन में ही अवेलेबल होता है। जब आपके पास एक सही प्लानिंग होती है तो अनप्रोडक्टिव कामों में टाइम वेस्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप ट्रैक पर बने रहते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपने फील किया है कि आपने गोल भी सेट कर लिया, स्ट्रेटजी भी बना ली, मंथली, वीकली और डेली का शेड्यूल भी बना लिया, लेकिन कभी कोई गेस्ट आ गया या किसी फ्रेंड ने साथ में कहीं जाने की बात की और आपका पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया? अब जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, बहुत बार हमें रिश्ते निभाने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना पड़ता है, लेकिन आपको हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहना आपके अपने गोल से भटका सकता है, इसलिए ना कहना भी आपको आना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए ना कह पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं तो कुछ लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कॉल ना उठाना, मैसेज का रिस्पॉन्स ना देना, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। आपको अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए ना कहने का वैलिड रीजन देना चाहिए और लोग आपके वेलविशर होंगे तो खुद ही आपको फोर्स नहीं करेंगे। ग्रेट रशियन राइटर लियो टॉलस्टॉय का एक फेमस कोट है, द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। कितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हुई हैं, उनमें एक बात कॉमन है, सबने टाइम और पेशेंस का इंपॉर्टेंट समय रहते समझ लिया था।
जब हमें कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट करना होता है तो पेशेंस का होना गोल की सक्सेस के लिए कंपलसरी होता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी इस बात को साबित करती है कि अब लोग ऑन द स्पॉट सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। हम इतने कंडीशन्ड हो गए हैं, पेशेंस एक आउटडेटेड चीज लगने लगी है। आपने बहुत सारे चिटफंड स्कैम्स के बारे में सुना ही होगा, जिसमें बहुत कम टाइम के अंदर पैसे डबल होने के लालच में फंसकर लोग अपने बरसों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इसके पीछे भी इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होती है, जिसका फायदा इस तरह के फ्रॉड करने वाले उठा लेते हैं और जिंदगी भर का पछतावा दे जाते हैं। ऐसे में पेशेंस की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। कुछ लोग पेशेंस को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करना ही पेशेंस है, जबकि पेशेंस एक एक्टिव प्रोसेस है। पेशेंस के साथ साथ हार्डवर्क और कंटिन्यूटी मस्ट है, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। गोल अचीव करने की दिशा में पेशेंस को डेवलप करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से ज्यादा चांसेस हैं कि आपका डिसीजन गलत डायरेक्शन में होगा, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले इसके प्रोस एंड कॉन्स पर सोचना और उसके बाद रैशनल एनालिसिस करके डिसीजन लेना बेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस है। पर इतने लंबी प्रोसेस के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शॉर्टकट कभी सही नहीं हो सकता। इमोशन में आकर डिसीजन लेना भी खतरे से खाली नहीं होता। अगर पेशेंस के साथ सभी अवेलेबल ऑप्शंस पर अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने सपोर्ट सिस्टम से सजेशन लेकर उनमें से आपके लिए बेस्ट एप्रोप्रिएट डिसीजन लेते हैं तो आपकी सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। ये कोट तो आपने सुना ही होगा, वेल बिगिन हाफ डन, यानी जब किसी काम की शुरुआत इस तरह होती है तो समझिए कि आधा काम पूरा हो जाता है। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार कोशिश करने और फोकस्ड रहने की जरूरत होती है। जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है तो भटकाव आसान हो जाता है। कुछ गोल ऐसे होते हैं जिनके लिए कितना ही एफर्ट लगा दिया जाए लेकिन वो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन लेकर ही अचीव किया जा सकता है, लेकिन इतने लंबे समय तक फोकस्ड रहना आसान काम नहीं। इसके लिए सही स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस जैसे टूल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। पेशेंस आपको डिसिप्लिन्ड भी बनाता है और प्रोसेस के बीच में कमिटेड रहने और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में मदद करता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अक्सर आपको और ज्यादा पाने का लालच देता है। इससे होता यह है कि हम जो भी छोटी छोटी सक्सेस हासिल करते हैं या गोल अचीव करते हैं उसे अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, जिससे अचीवमेंट मोटिवेशन नहीं मिल पाता और आप उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बने रहते हैं जो प्रोसेस के बीच में होता है। मोटिवेशन लेवल बनाए रखने के लिए आपको री इन्फोर्समेंट की जरूरत समय समय पर पड़ती रहती है। इससे आप अपने एफर्ट्स, डेडिकेशन और पेशेंस को वैल्यू नहीं देते, जबकि इन्हें वैल्यू देने से मोटिवेशन और पेशेंस लेवल इंक्रीज होता है और आपको किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए तैयार करता है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हर काम के लिए एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन लगता है। बदलता मौसम भी इस बात को प्रूव करता है। लाइफ चेंजिंग और मीनिंगफुल गोल को अचीव करने में टाइम, डेडिकेशन और पेशेंस चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म गोल के लिए लॉन्ग टर्म पेशेंस की भी जरूरत होती है। पेशेंस आपको कमिटेड रहने में हेल्प करता है। ऐसे भी टाइम पर जब कोई रिजल्ट आता ना दिखाई दे रहा हो, पेशेंस आपकी निराशा को दूर करता है और हौसला बढ़ाता है, जिससे आप अपने गोल को अचीव करने की दिशा में लंबे समय तक कमिटमेंट के साथ लगे रहते हैं।